तो हेलो बडीज, मेरा इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अलाब, आपका टेक्निकल फ्रेंड। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक गलती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक गलती आप करते हो कब, जब आप ट्रिप फिनिश कर देते हो और जब पेमेंट लेने का टाइम आता है ना दोस्तों, तभी आप ये छोटी सी गलती कर देते हो और उसकी वजह से आपको राइड के पैसे नहीं मिलते दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी हो चुका है और मुझे भी पेमेंट नहीं मिला था और मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे उस ट्रिप के पैसे लेने के लिए। तो वो क्या है गलती दोस्तों, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगती है, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कंजूसी मत कीजिए। तो दोस्तों, वो क्या गलती है चलिए देखते हैं। कस्टमर जब राइड आपका बुक करता है तब उसके पास तीन ऑप्शन रहते हैं दोस्तों पेमेंट करने के। वो क्या है, पहला वाला कैश, दूसरा वाला हो गया अपना पे एट ड्रॉप, तीसरा हो गया रैपिडो वॉलेट मनी। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, पे एट ड्रॉप, बहुत ही ट्रिकी है और उसमें ही हम गलती करते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं आगे। जब आप राइड लेते हैं और कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और आपने ट्रिप फिनिश कर दिया, ट्रिप फिनिश करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहां पे यहां पे क्यूआर कोड होगा और नीचे उसके कैश कलेक्टेड बटन भी दिखाई देगा आपको। तो यहां पे होता क्या है दोस्तों, जब आप पेमेंट लेते हैं तो कस्टमर क्या करेगा दोस्तों, वो क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे है वो किसी भी अपनी यूपीआई ऐप से स्कैन करने की कोशिश करेगा ताकि पेमेंट उससे दे सके। पेमेंट देने के लिए जब वो क्यूआर कोड स्कैन करके वो प्रोसेस करता है पेमेंट की, तभी आप क्या करते हो, गलती से वो नीचे जो बटन रहता है ना येलो कलर का कैश कलेक्टेड, आप उस पर क्लिक कर देते हो। क्यों दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक क्यों करना है आपको? अगर आप क्लिक नहीं भी करते हो तो होता क्या है, मैं दूसरा सिनारियो बताता हूँ दोस्तों। दूसरा सिनारियो भी है, वो स्कैन कर लिया वहाँ पे कस्टमर ने क्यूआर कोड और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रोसेस डिले हो रहा है पेमेंट का, तो आप क्या करते हो, इम्पेशेंट होके वापस नीचे से वो जो कैश कलेक्टेड बटन रहता है येलो कलर का उसके ऊपर क्लिक कर देते हो। तो सोचते हो कि दूसरा राइड मुझे मिलना स्टार्ट हो जाए जब तक ये पेमेंट होता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होगा पता है आपको, जो क्यूआर कोड से पेमेंट हुआ है ना कस्टमर के द्वारा, तो वो पेमेंट वापस कस्टमर के रैपिडो ऐप की वॉलेट में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने गलती कर दी, नीचे कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर करके एक बटन है वो उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो रैपिडो सोचेगा आपने दो दो पेमेंट ले लिए दोस्तों, एक तो ऑनलाइन ले लिया और दूसरा कैश भी ले लिया। तो ये गलती आप मत करना, ये गलती करोगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर आप कस्टमर केयर में भी कॉल करोगे ना तो कस्टमर केयर में भी आपको यही रिप्लाई करेगा कि आपने गलती की है, आपने कैश कलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक किया है, मतलब आपने कैश कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो आप कस्टमर से आप पैसा अब दो दो बार नहीं ले सकते। क्यूआर कोड से भी आपने पैसा ले लिया और कैश भी आपने ले लिया। अगर आपने पैसा नहीं भी लिया कैश, तो भी वो कैश ले लिया कंसिडर कर लेंगे। अगर कस्टमर अच्छा रहा, आप उससे बात करोगे तो वो वापस आपको पैसे दे सकता है राइड के, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये गलती कभी भी मत करना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले ये गलती नहीं करनी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर करते रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हंसी मजाक तो साइड में रखते हैं, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा राइड मिले आपको। मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।